हरियाणा के जींद में उपचुनाव को लेकर चल रही काउंटिंग के दौरान कांग्रेस और जेजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बता दें कि जींद में उपचुनाव में वोटों की गिनती चल रही है, जिसमें ईवीएम के सीरियल नंबर को लेकर हंगामा हुआ है। वहीं 9वें राउंड के बाद बीजेपी उम्मीदवार करीब 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जेजेपी दूसरे नंबर पर और कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। दरअसल नारेबाजी कर रहे थे और उसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठी चार्ज किया गया। ये हंगामे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वोटों की गिनती के दौरान ये हंगामा हुआ और उसके बाद कार्यकर्ताओं पर पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज किया गया।